नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हमारे पीछे देखिए क्या नज़ारा है। हम लोग अभी हैं गुजरात में भावनगर के पास निष्कलंक महादेव टेम्पल में। यहाँ हम लोग राजकोट से दर्शन करने आए हैं, करीब 200 किलोमीटर की ड्राइव करके, जो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया। अब इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं महादेव के दर्शन के साथ। लेट अस स्टार्ट। यहाँ पार्किंग की कोई कमी नहीं है, गाड़ी हमने आराम से पार्क कर दी है। बाबू भी आ गया है, उधर मैडम और लवी खड़ी हैं, और अब हम लोग जो है जा रहे हैं बीच समंदर में दर्शन करने। तो जी, महादेव टेम्पल की ये जो खासियत ये है कि ये टेम्पल जो है ना बीच समंदर में है, 20 से करीब आधे किलोमीटर दूर अंदर है। और क्या है कि जब यहाँ हाई टाइड आता है तो ये पूरा एरिया पानी से भर जाता है, और तब आप दर्शन करने नहीं जा सकते। अभी जब लो टाइड है तब ये 4-5 घंटे का एक टाइम स्पैन मिलता है जिसमें लोग जाते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। लवी तो इधर है, मम्मी कहाँ गई? अब देवी क्या है ना भाई, ऑटिस्टिक बच्चा है, वो पानी देख के, समंदर देख के डर के पीछे भाग गया, तो उसकी मम्मी भी उसके साथ ही लग रहा है चली गई है पीछे उसको। बाकी इस मंदिर के इतिहास के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर पांडवों के द्वारा बनवाया गया था। क्या है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद पांडव पश्चाताप करना चाहते थे, तो श्री कृष्ण के आदेश अनुसार वो यहाँ पर आकर के शिवलिंग की स्थापना किए थे और शिव जी से जो है ना वो क्षमा याचना किए थे। तो ये मंदिर जो है ना हमारे शास्त्रों के हिसाब से काफी पुराना है, और जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ का वो मैंने बता ही दिया कि ये दिन भर सिर्फ लो टाइड के समय ही विजिबल होता है, हाई टाइड के समय ये पानी में डूब जाता है। यहाँ पूरा कीचड़ में हम लोग करीब आए 100 मीटर चल के। इसमें बाबू जो है ना आ तो गया लेकिन एक बार गिर भी गया, और कपड़े उसने गंदे कर लिए हैं। अब टेम्पल और हार्डली 300-400 मीटर है, बट इधर का जो जमीन है ना, सरफेस है, ये थोड़ा सूखा हुआ है। इनिशियल 100 मीटर के बाद ना इधर थोड़ा सूखा सूखा मिल रहा है, तो चलने में दिक्कत नहीं हो रही है। और पैरों के हालत देखिए, कीचड़ से सराबोर, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो फाइनली जो है 500 मीटर ट्रेक करके अपन पहुंच गए हर हर महादेव। तो यही वो टेम्पल है, बाकी माँ बेटी भी पहुंच गए हैं। और ये देखिए, ये है ऑटिस्टिक बच्चों के लक्षण। शुरू में ये कितना डर रहा था, पानी से भाग गया था, और ये अब सबसे आगे आगे पहुंचा है बाबू। यही पूजा करना है, यही है मेन टेम्पल होगा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर एक शिवलिंग ये है, एक वहाँ है, तीन, और एक चार यहाँ है, चौथा शिवलिंग यहाँ है, पांच होने चाहिए थे, एक ये है, ये भी एक, ये भी तो है पांच। तो पांचों पांडव के नाम पे यहाँ पांच शिवलिंग है। सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे, नर दे दो कौन बिगाड़ करे नर दे। तो हमारे साथ बोलिए जोर से हर हर महादेव, और दर्शन हम लोगों ने कर लिए और पूजा भी वीना ने कर ली। हाँ। दूध चढ़ा दिया। अच्छा माहौल है और एडवेंचरस है। गवर्नमेंट चाहे तो ये 500 मीटर का ब्रिज भी बना सकती है, लेकिन मुझे लगता है ना बनाए तो अच्छा है, थोड़ा लोग कष्ट उठाएं और तब यहाँ आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा दर्शन करने के लिए। बाकी आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर क्राउड उतना ज़्यादा नहीं होता है, जबकि आज संडे है तब इतना क्राउड है, तो नॉर्मल डेज में तो क्राउड एकदम ना के बराबर होता होगा। सावन में लोग आते होंगे यहाँ। यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है, दर्शन भी बहुत आराम से हुए। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो जी, अब फिर से 400-500 मीटर की वॉक है, पीछे नजारा आप देख ही रहे हैं समंदर का, और बीच बीच में कुछ ये ढोल बजाने वाले खड़े रहते हैं, जैसा कि हर तीर्थ स्थान पे होता है, कुछ भिखारी भी मिलेंगे।
ये वही स्ट्रेच है, देखिए बाबू फिर घुस गया जाके कीचड़ में, और इसी स्ट्रेच में आते समय बाबू स्लिप हुआ था, तो इसमें बड़ा पैर जमा जमा के धीरे धीरे निकलना पड़ता है। अब यहाँ की जो है ना पैर धोया जा रहा है पानी में, ये पहन लिया जाए। तो जी हम लोग निकल गए फाइनली पानी से बाहर, और सब कोई जो है ना पसीने से तरबतर है। टॉवल तो जी, दूसरा क्या है ना कि सब लोग गंदे हो गए, मतलब पैर का पार्ट तो पूरा गंदा हो गया है। हालांकि गाड़ी में मैं 2-3 लीटर पानी लेकर चलता हूँ, बट क्या है कि यहाँ धो बालू फिर लग जा रहा है पैर में। तो अपन अब यहाँ से निकल रहे हैं और हाईवे पे किसी पेट्रोल पंप पे अभी पहले रुकते हैं और अपने आप को थोड़ा साफ कर लिया जाए। तो निष्कलंक महादेव का ये मार्केट है, और वहाँ देखिए एक मंदिर भी है। यहाँ मार्केट में ना बीच टॉयज भी मिल रहे हैं गोवा की तरह, बट यहाँ बीच पे पानी नहीं है, आप खेल नहीं सकते। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग एसी चला करके भी विंडोज खोल के रखे हैं ताकि गर्म हवा बाहर निकल जाए। लवी इधर जो है पेट्रोल पंप ढूंढ रही है। हम लोगों ने देखिए क्या किया कि यहाँ पर बीच रास्ते में ना नदी मिल गई, नदी क्रॉस कर रही है, तो गाड़ी जो है यहीं पे लगा दी। हालांकि ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है, इक्का दुक्का गाड़ियां आती हैं। और ये नीचे जाकर ही हम लोग जो है ना हाथ पैर धो रहे थे, और यहाँ बच्चे जो है वो नहा भी रहे हैं। धुल गया पैर, सैंडल वैंडल धुल गया? चलो भाई, ये भी जो है ना एक एक्सपीरियंस है। बाकी जाते समय हमने देखा था ना कि कुछ गाड़ी वाले यहाँ गाड़ी लगा के धो रहे थे, तो अपन भी सोचे कि भाई बढ़िया यहीं रुक जाओ, पानी भी बहता हुआ मिल गया साफ सुथरा, अब निकला जाए यहाँ से आगे। तो जी दोपहर के 1:45 हुए हैं। भावनगर में हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेंबर है दहीवत जी, उनसे मिलना है हमें, उनके घर जाना है, और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे राजकोट के लिए। बाकी ये है स्टेट हाईवे 36 जिस पे अभी हम लोग जाएंगे भावनगर तक। SS 36 पर ये राइट साइड जो रोड जा रही है ना, ये चली जाती है घोगा, जहाँ से वो रोरो फेरी चलती है, और अभी हम लोग लेफ्ट मुड़ करके बढ़ेंगे भावनगर की तरफ। इधर हाईवे एकदम खुला खुला है, मस्त है, ट्रैफिक है उतना ज़्यादा नहीं है। भावनगर अभी यहाँ से करीब 12 किलोमीटर और है। तो ये भावनगर का एक तरह के इसे आउटर स्कर्ट्स है, अकवाड़ा नाम का ये कोई गांव है जो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। दोपहर के 2:05 हुए हैं, तो हम लोग पहुँच गए अकवाड़ा लेक के पास, और यहीं पर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं दहीवत जी, वो शायद यहीं कहीं वेट कर रहे हैं। तो जी सामने बाइक पर हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर दहीवत जी हैं, और अब इन्हीं के गाड़ी के पीछे पीछे हम लोग जाएंगे इनके घर तक। तो ये कुछ अभी हम लोग भावनगर में चल रहे हैं, ये एरिया कौन सा है एक बार गूगल मैप में मैं देख के बता दूंगा। तो भावनगर शहर में जब हम लोग अंदर में घूम रहे हैं, तो वीना कह रही है कि देखिए यहाँ शहरों में भी अंदर में 4-लेन रोड्स हैं, खुली खुली सड़कें मिल रही हैं, या शायद अभी हम लोग इंटीरियर में नहीं पहुंचे हैं, बट मतलब देखो लग रहा है कि छोटा सा शहर है भावनगर भी, अच्छा खासा बड़ा शहर है। ये पानी टंकी इधर कोई वैलेंटाइन सर्कल दिखा रहा है, आगे कहीं अक्षरवाड़ी है। और बहुत साफ सुथरा शहर है, बहुत ग्रीनरी है, मतलब इतना तो मेरे को लगता है कि राजकोट भी इतना साफ सुथरा नहीं है। तो जी दहीवत जी से मिलना जुलना हो गया, और हम लोगों ने यहीं पर लंच भी कर लिया, और भूंगरा बटेटा भी खाया, यहाँ का बहुत तीखा था, बहुत तीखा था, एकदम धुआं धुआं हो गया दिमाग। खैर एनीवे अब अपन चल रहे हैं आगे, और आगे पहले क्या है ना परिमल चौक जाना है, वहाँ कोई वेट कर रहे हैं, उनसे भी अब आए हैं तो मिल लें, भावनगर अब रोज रोज आना तो होगा नहीं। इधर तो कोई फ्लाईओवर बन रहा है, और अपने को जाना है परिमल चौक। अब जैसे जैसे गूगल गाइड कर रहा है अपन वैसे वैसे चल रहे हैं। 3 किलोमीटर और दिखा रहा है, आगे से राइट टर्न विजयनगर करके कोई एरिया है, तो विजय राजनगर करके है कुछ। हाँ बहुत बढ़िया एरिया, इधर हवेली है, राम जी मंदिर है,
अरे खाना बहुत खा लिया यार। अभी दोपहर के 4 बजे हैं और अभी हम लोग आए हैं भरत भाई कह रहा हूँ, हिरन भाई से मिलने। हिरन भाई से भी हमारी बातचीत होती रहती थी जब राजकोट में थे, अब यहाँ आना हुआ तो भाई इनके यहाँ भी आ गए अपन। आप लोग बहुत चीनी मिलाते हो लेकिन चाय में गुजरा। ना ना मैं नहीं पिलाता। हाँ मैं क्या बेचता, मिठाई खाते लेकिन। तो हिरेन भाई से मिल करके अब हम लोग निकल रहे हैं। अब क्या है ना कि शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो कम से कम 8:30-9 तो बज ही जाएंगे। कोई गल नहीं, आराम से चलेंगे। अभी हम लोगों को ये पता नहीं कौन सा सर्कल आया है, ये कोई सर्कल है। अब यहीं से हम लोग लेफ्ट टर्न ले करके सीधे जाएंगे। अरे इधर RTO सर्कल। अच्छा इधर से तो अपन आए थे शायद। हाँ उस समय अपन इधर से ही आए थे। अभी हम लोग भावनगर से बाहर नहीं निकले हैं, इधर फ्लाईओवर का काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसी के नीचे गाड़ी हिचकोले खा रही है और उसी में हम लोग भी हिलते डुलते धीरे धीरे निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग शहर से बाहर निकल गए हैं। बट क्या है ना कि हाईवे पे बहुत ट्रैफिक मिल रहा है इधर, और जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है भाई शाम का टाइम है, थोड़ा जाम तो मिलेगा ही। अभी टाइम ज़्यादा लगेगा लौटने में राजकोट। ये जो राइट की तरफ जो फ्लाईओवर गया ना, ये ट्रक मुड़ रहा है, ये चला गया यहाँ से अहमदाबाद के लिए रोड, और अपन सीधा कंटिन्यू करेंगे अब राजकोट के लिए। भावनगर से करीब 20-25 किलोमीटर आगे हम लोग आ चुके हैं और अभी अभी जो है ना सीहोर क्रॉस किया है। अब यहाँ से लेके राजकोट तक जो हाईवे है ना वो अच्छी कंडीशन में मिलेगा, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सुबह आते समय इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला था, शाम का टाइम है, संडे का दिन है, मे बी इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा है। तो द करेंट स्टेटस इज कि शाम के करीब 6 बजे हैं। हम लोग अभी राजकोट हाईवे पर लिमडा क्रॉस किए हैं, आगे जो है वो ढांसा आएगा, उसके बाद राजकोट। और हुआ क्या कि बहुत तेज़ नींद आ रही थी हम लोगों को, तो पीछे हम लोग गाड़ी लगा के 15-20 मिनट का एक पावर नैप लेने लगे। 15-20 मिनट रुक गया, थोड़ा हल्का सा सो लिया। सोना क्या कहा जाए उसको समझिए, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली तो उतने में ही मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि आज दहीवत जी क्या ना बहुत हैवी खाना हो गया, उतनी ज़्यादा डाइट अपनी है नहीं और उसी का असर है। खैर अभी राजकोट यहाँ से करीब 115 किलोमीटर है और 3 घंटे तो आराम से लग जाएगा, 3 घंटे से थोड़ा कम ही लगेगा। तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी 6 बज रहे हैं तो रात को 9 बजे तक राजकोट पहुँच जाएंगे। शाम के 6:20 हुए हैं और अभी हम लोगों ने ढसा क्रॉस किया है। भावनगर से बात की जाए तो हम लोग करीब चले होंगे 70-80 किलोमीटर। सामने बोर्ड पर देखिए बाबरा 18 और राजकोट अभी 95 दिखा रहा है, बट हमें 100 किलोमीटर के आसपास जाना है। राजकोट में भी अपना घर थोड़ा जो है ना अंदर है, और सूर्यास्त सनसेट होने वाला है या लगभग हो चुका है। सूरज बिल्कुल लाल है, बस डूबने ही वाला है, थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा। अपन कहीं रुकेंगे, हेडलाइट वगैरह जो है ना वो साफ़ करेंगे और खुद का चेहरा भी साफ़ करेंगे, थोड़ा हाथ मुंह पर पानी मारेंगे, फ्रेश होके फिर चलेंगे। शाम के करीब 6:30 हैं, हम लोग ऑनेस्ट रेस्टोरेंट पर रुक गए कि चाय तो ऐसे पीना नहीं है, चाय पी कर चले थे, लेकिन एक होता है ना ब्रेक चाहिए था, और थोड़ा गाड़ी के शीशे साफ़ कर ले, बच्चे थोड़ा उछल कूद मचा ले, वॉशरूम यूज़ कर ले, मूड हुआ तो थोड़ा चाय कॉफ़ी भी हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। बाकी शाम का माहौल जो है यहाँ पर थोड़ा अच्छा है, मौसम में फिर से हल्की हल्की ठंडक आ गई है,
बाबू अपना एनर्जी रिलीज कर रहा है। और अभी सनसेट के बाद कितना ही मस्त मस्त व्यू आ रहा है। तो गाड़ी की सफाई उफाई हो गई और अपन रुके थे तो सोचा कि चाय पी ली जाए। ये चाय बहुत मीठी है भाई। मीठी है लेकिन बड़ी कड़क। हाँ कड़क तो है लेकिन मीठी बहुत है। तो जी हम लोगों का चाय वाय हो गया और अब निकला जाए जी। भी हो गई। हाँ कीड़े आ रहे हैं। हाँ। हाँ। और ये ट्रिप बहुत अच्छी रही हमारी, हालांकि मेरे पैर में थोड़ा सा चोट भी लग गया जो समुंदर वाला रास्ता था ना, तो बहुत कीचड़ वाला हो रहा था, बहुत स्लिपरी था, तो उसी में थोड़ा पत्थर था उससे थोड़ी चोट भी लग गई, लेकिन ट्रिप बहुत अच्छी रही। और 3 वीक में जो हम लोग निकले ना, तो हमारे अंदर एक कीड़ा भी है कि हम लोग 2-3 वीक में अगर घर से नहीं निकले तो हमारा कीड़ा कुल बुलाने लगता है। और कौन कहता है कि आपको 2 दिन या 3 दिन छुट्टी चाहिए, आप 1 दिन में भी घूम फिर के आ सकते हो। जैसे तो हम लोग सुबह 7:30-8 में निकले थे, रात के 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। पूरा संडे का दिन अच्छा यूटिलाइज हो गया। 7:50 PM और अभी हम लोग सरदार धाम पहुंचे हैं और यहां से और हमें जाना होगा, कितना जाना होगा, 35-40 किलोमीटर होगा। हाँ एग्जैक्टली 35 किलोमीटर और आई थिंक 9 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, बट आगे रोड बहुत खराब है। रात के 8:20 हुए हैं और अब जाकर हम लोग राजकोट सिटी में इंटर किए हैं। ये गोंडल रोड वाला एरिया है और अभी हम लोगों को यहाँ से घर जाने में और 20-25 मिनट लगेंगे। तो जी रात के करीब 9 बजे हैं और हम लोग आगे घूम फिर करके भावनगर से वापस। ट्रिप की पूरी बात करूँ तो करीब 430 किलोमीटर की ट्रिप रही है पूरी दिन भर में। सुबह हम लोग 7:45 में निकले थे और अभी 9, मतलब मोटा मोटी 13 घंटे की ट्रिप रही और गाड़ी ने माइलेज दिया 19 का। खर्चा अगर कहा जाए तो सिर्फ डीजल का खर्चा लगा और बीच में थोड़ा जो चाय पानी में 200-300 रुपये लगे वही, और डीजल भी लगा होगा तो कितने का लगा होगा, आई थिंक हार्डली जो है 2000 के आसपास का लगा होगा। 2200 में ट्रिप हो गई। तो एक और संडे अच्छा अपना बीत गया। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।